एस ए आठ सौ रिवाइज कर रहे हैं इससे पहले एस ए की रिविजन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स की और रिविजन वीडियोस अपलोडेड है प्लीज जाए चेकआउट करें सारी वीडियोस देख लीजिए वीडियो को लाइक करके सबके साथ शेयर कर दीजिए आईसीए के क्वेश्चन भी इसी वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर दूंगा ऑल द बेस्ट कॉड ब्लेस यू चलिए जी आ जाइए हम लोग आज रिवाइज करने वाले एस ए आठ सौ पांच एस से आठ सौ पांच किससे डील करता है स्पेशल कंसिडरेशन से स्पेशल कंसीडरेशन वर्ड याद रखिएगा जब आप कर रहे हैं ऑडिट किसका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एस एफ एस एस सी एफ एस यूज करेंगे एस एफ एस इस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एस सी एफ एस इस स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिक क्या है बहुत सिंपल पहली बार मैंने आपको बताई दी एस ए आठ सौ पांच किससे डील करता है उसके बाद बच्चों आपने ध्यान रखना है क्या कि आपका एस एफ एस

मेंट बहुत है व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट क्या हुआ यानी एस एफ एस क्या हुआ कोई भी एलिमेंट अकाउंट या आइटम ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसिबल कैश एंड बैंक बैलेंस ये है आपके सिंगल एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलिए अच्छा जी अब मेरी बात को ध्यान सुनिए एस एफ एस हो या एस सी एफ एस हो उसके अंदर जो नोट्स है उससे रिलेटेड वो भी हम लोग इंक्लूड करके चलेंगे फॉर एग्जाम्पल कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड नोट्स भी हमारे एस एफ एस का पार्ट बनेंगे सिंगल एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रिसीवल ट्रेड रिसीबल से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी हमारे जो है वो सिंगल एलिमेंट का पार्ट जो है वो बनने वाले हैं तो याद रखिए एस एफ एस और एस सी एफ एस इंक्लूड द रिलेटेड नोटिनली समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी रिलेवेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू दी एलिमेंट ओके आ जाइए अब आते हैं इस पर जरा ध्यान सुनिए कि मेरी बात को तीन बातें बच्चों में हमने यहां पे पढ़नी है रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी मोटे मोटे तौर पे आप लोग बोल सकते हैं कि तीन रिक्वायरमेंट्स हैं कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं तीन रिक्वायरमेंट्स रिक्वायरमेंट तीन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं आ जाइए जरा मेरे साथ सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ एस एफ एफ आर एफ की एक्सेप्टेबिलिटी uh, की, की और तीसरी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या आती है आती है है हमारे हमारे पास पास तीसरी रिक्वायरमेंट फॉर्म ऑफ ओपिनियन की ओके तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस की एक्सेप्टेंस के अंदर हमारे पास जो है ये तीन रिक्वायरमेंट आने वाली है एक्सेप्टेंस के अंदर तीन रिक्वायरमेंट कौन कौन सी आने वाली है एप्लीकेशन ऑफ एस एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफ और साथ साथ में आपका फॉर्म ऑफ ओपिनियन एक बार फिर से एप्लीकेबिलिटी ऑफ एप्लीके एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस एस एप्लीकीबिलिटी ऑफ एस के बाद आएगी एप्लीकेशन ऑफ एफ और साथ साथ में हमारे पास जो है वो पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ ओपिनियन ओके याद रखिए पहली मेजर रिक्वायरमेंट है एक्सेप्टेंस एक्ट एक्सेप्टेंस के अंदर जो है फिर हमारे पास आ जाती है तीन रिक्वायरमेंट फिर एक बार रिपीट करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ एस एस एक्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फॉर्म ऑफ ओपिनियन आइए वापस चलते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है एक्सेप्टेंस को लेकर एक्सेप्टेंस को लेकर सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है एप्लीकेशन ऑफ एसेस को लेकर तो एप्लीकेशन ऑफ एसेस में ने क्या लिखना है बहुत सिंपल सी बात है देखिए ऐसे 200 का रेफरेंस देंगे ऐसे 200 आपको बोलता है कि सारे रिलेवेंट ऐसे से आप लोगों ने कंप्लाई करना है याद रखिए अगर आप लोग फुल सेट ऑफ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास एंटिटी के टी की इन्वायरमेंट की और उसके इंटरनल कंट्रोल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ये एक तरीके से बच्चों प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करेंगे क्या करते समय जब आप लोग फुल सेट ऑफ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर रहे हैं लेट मी रिपीट अगर आप ऑडिट नहीं कर रहे फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपके पास ये इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि आप सारे ऐसे कंप्लाई करें क्यों क्योंकि आपके पास एंटिटी की इन्वायरमेंट की और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज नहीं होगी

आ जाओ देन अगर ऐसे के हिसाब से आप लोग ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग क्लाइंट को प्रपोज करेंगे भैया एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर दो एस लगा दो या फिर आप लोग जो है इस लगवा लो इसे किसी एंगेजमेंट में कन्वर्ट कर दो नाउ अब बच्चों एक चीज और देखिएगा कि ऐसे दोस्तों की भी रिक्वायरमेंट है ऐसे दोस्तों की रिक्वायरमेंट भी आपको लिख के आ सकते हैं ऐसे दोस्तों आपको क्या बोलता था कि एक तो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करिएगा राइट स्पेसिफिकली विच इज रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस दूसरी बात अपने सारे एस से कंप्लाई करना है जो ऑडिट के लिए रेलिवेंट है ओके okay. और आपने देखना है कि आपने ऐसे हमेशा क्या करना है ऑर्डर को कंप्लाई करना है जब तक कोई ऐसे सर्कमस्टांस ना हो जाए कि ऐसे रेलिवेंट ही नहीं है फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑर्डर नहीं है तो छे सौ दस रेलिवेंट ही नहीं है राइट right. या फिर कोई रिक्वायरमेंट है फॉर रेलिवेंट ही नहीं है बिकॉज वो कंडीशनल है और कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती ये आपने ऐसे दोस्तों में पढ़ा हुआ है मैं जस्ट आपको क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ और एक्सेप्शन सर्कमस्टांस में ऑर्डर जो है डिपार्ट भी कर सकता है रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से ये कासा का पार्ट है बेटा ऊिया कासा याद है ऐसे दो ये ऐसे दो में कासा का पार्ट है ओके अच्छा जी तो एक्सेप्शन सर्मस्टांस में रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स आप लोग डिपार्ट भी कर सकते हैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसेसर लगा के लीजिए जी हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट का िसडरेशन वैन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट होता है एप्लीकेशन ऑफ एस एस क्विकली मैं आप लोगों को एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं दो सौ बोलते हैं रिलेवेंट एस एस कम्प्लाई करो लेकिन याद रखिए अगर आप फुल सेट ऑफ ऑडिटिंग फुल फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर रहे हैं तो आप सारे एसेस से कंप्लाई नहीं कर पाएंगे वाई बिकॉज आपके पास इन्वायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है यानी कि आप अच्छे से तीन सौ पंद्रह नहीं कर पाए हैं ओके okay? साथ साथ में आप जब फाइनें आप जब फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं कर रहे हैं आपके पास एविडेंस भी जो है वो कम होगा अबाउट द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड और याद रखिए कुछ इसलिए कंप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैठ गए तो आपके लिए आ, बहुत ज्यादा अगर इम्प्रैक्टिकल है एस एस कंप्लाई करना तो आप लोग क्या करेंगे ऑल्टरनेटिव एंगेजमेंटेस्ट करेंगे ऐसे दोस्तों की बातें जो है वो लिख के आ जाएंगे ऐसे दोस्तों में क्या लिखा है ऐसे दोस्तों में यही बताया गया है कि देखो जी आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो है वो कंप्लाई करनी है साथ साथ में, आपको ऑल रेलिवेंट एस जो है वो कंप्लाई करने हैं हां अगर कोई एसेस रेलेवेंट रेलिवेंट नहीं है या उसकी रिक्वायरमेंट रेलिवेंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांज में आप डिपार्ट कर सकते हैं रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर आइए दूसरी रिक्वायरमेंट पर चलते बच्चों याद रखिए मैं आपको यहां पर एक बार दिखाना भी चाहूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे लिख भी देता हूं एक्सेप्टिंग लीजिए ये हो गई हमारे कंसिडरेशन वेन एक्सेप्टिंग दी ऑडिट और इसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया है और वो क्या था एप्लीकेशन ऑफ एस एप्लीकेशन ऑफ एस लीजिए ये हमारा पार्ट जो यहाँ पे कवर हो गया है अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या आएगा वो आएगा एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हाँ जी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अब सुनिए सबसे पहले आपको ऐसे दो में दस मैं याद दिलाई दो सौ दस क्या बोलता है ग्रींग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट ऐसे दो रिक्वायर करता है कि ऑडिटर ऑडिटर डिटरमाइन करो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपलाइड इन दी प्रिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है जी फिर उसके बाद सफिशियंट डिस्कलोजर की बात करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा ऑडिटर को देखना है ऑडिटर को क्या देखना है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ अब हम पहले तो देखिए एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफ़आरएफ़ ऐसे 210 आपको इन जनरल बोलता है कि आप लोग जब भी कोई ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एफ़आरएफ़ uh, एक्सेप्टेबल है नहीं ये चेक कर लो तभी तो भाई साहब आप ऑडिट एक्सेप्ट करते हो ना दूसरी चीज यहाँ पे क्या चेक करनी है दूसरी चीज सिंपली यही चेक करनी है कि भैया हमारे जो एफ आर एफ हैं वो एस एफ एस और एस सी एफ एस के केस में सफिशियंट डिस्क्लोजर्स देते हैं सफिशियंट डिस्क्लोजर्स देते हैं यूजर को टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट इन सिंपल वर्ड्स क्या एफ आर एफ में सफिशियंट डिस्क्लोजर्स हैं जिसके चलते यूजर जो है एस सी एफ एस और एस सी एफ एस एस एफ एस और एस सी एफ एस एस एफ एस और एस सी एफ एस की जो इंफॉर्मेशन है उसको अंडरस्टैंड कर पाए तीसरी रिक्वायरमेंट क्या आती है वो है कंपैरिजन ऑफ एफ आर एफ यूज देखिए आपने जब आपके एंटिटी ने जब एस एफ एस और एस सी एफ एस बनाए हैं आप उन्होंने एक एफ आर एफ चूज किया होगा वो एफ आर एफ जो है वो कॉम्प्रेसिव फ्रेमवर्क पर बेस हो सकता है कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क जैसे कि एनडीएस राइट अब आपको चेक करना है अब आपको चेक करना है कि देखो जी ये जो आपका चूजन फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके एस एफ एस और एस सी एफ एस बने हैं जिसको चूज करके एस एफ एस और एस सी एफ एस बने हैं वो सारी रिक्वायरमेंट इंक्लूड करता है उस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क की जिसपे वो बेस्ड है या नहीं राइट right. मैं फिर बोल देता हूं देखिए टॉपिक क्या चल रहा है हमें देखना है भैया हमारा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं ऐसे दो सौ आपको गाइड करता है एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी को लेके फिर आप लोग चेक कर लेंगे सफिशिएंट डिस्क्लोजर है या नहीं कम ऑन सफिशिएंट डिस्क्लोजर है नहीं ऑलरेडी डिटरमाइन करेगा कि एफआरएफ की एप्लीकेशन से सफिशियंट डिस्कलोजर मिलेंगे अबाउट दी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दी एलिमेंट और तीसरा अगर हमने हमने देखा हमारे जो हमारे जो क्लाइंट ने एस एफ एस बनाए हैं वो एक एफ के बेस पे बनाए हैं वो एफ जो है कॉम्प्रेंसिव फ्रेमवर्क के बेसिस पे है तो हम लोग क्या करेंगे चूजन फ्रेमवर्क को कंपेयर करेंगे कम ऑन चूजन फ्रेमवर्क को कंपेयर करेंगे किससे कॉम्प्रेंसिव वाले से और चेक करेंगे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं प्रेजेंटेशन की आ, वो आ, सारी की सारी कंप्लीट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी है फॉर्म ऑफ ओपिनियन को लेके ज़रा ध्यान से देखिएगा बहुत आसान है ऐसे 210 में ऑडिटर जो है वो क्या भेजता है एंगेजमेंट लेटर भेजता है किसको एंटिटी को इस एंगेजमेंट लेटर में बहुत सारी बातें लिखी होती है उसमें से एक बात होती है एक्सपेक्टेड फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ दी ऑडिट रिपोर्ट राइट तो एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन जो है वो लिखा होता है अब ऑडिटर को बोला जा रहा है ऑडिटर ऑडिटर बात सुनो क्योंकि आप लोग एसएफएस और एस का ऑडिट कर रहे हो आप एक बार कंसिडर कर लो जो आप एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन बता रहे हो वो अप्रोप्रेट है या नहीं अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी क्योंकि ऑडिटर अपने ओपिनियन में वर्ड्स यूज प्रेजेंट प्रेजेंट फेयरली और गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू लेकिन एस एफ एस और एस सी एफ एस में एफ आर एफ हो सकता है इनकी प्रेजेंटेशन को एक्सप्लिसिटली एड्रेस ही ना करते हो क्योंकि फ्रेमवर्क बना था कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अच्छा ऐसी सिचुएशन में ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करके डिटरमाइन करता है कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एप्रोप्रिएट है या नहीं है एज पर दी फ्रेमवर्क यूज्ड अब सुनिए क्वेश्चन बनेगा ये कि वो फैक्टर्स बताओ जो ऑडिटर को हेल्प करेंगे टू डिटरमाइन कि एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑफ ओपिनियन जो है वो अप्रोप्रेट है या नहीं तो फैक्टर्स क्या है नंबर वन क्या एफआरएफ क्या एफआरएफ रिस्ट्रिक्टेड है टू दी प्रिपरेशन ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी एफ इंडिविजुअल आइटम के बारे में कोई गाइडेंस देता है ही नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गाइडेंस देता है फिर दूसरी बात क्या एस और एस सी कंप्लाई करते हैं अगर रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं फ्रेमवर्क ने एस एस को लेकर या एस एफ एस को लेके, एस एफ एस को लेके या एस एफ एस को लेके, तो क्या आपके एस एफ एस और एस एफ एस उनसे कंप्लीटली कंप्लाई करते हैं इंक्लूडिंग दी नोट्स एंड डिस्क्लोजर एंड तीसरा क्या आपका फ्रेमवर्क क्या आपका फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए आपको डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड की आज़ादी देता है इट इट uh,

इस ऐसे का पार्ट वन जो है कंप्लीट होता है जिसमें हमने ये देख लिया है क्या देख लिया है रिक्वायरमेंट्स का पार्ट वन कंसीडरेशन वैन एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट अब इसी के बाद हम लोग क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे कंसीडरेशन वैन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट और लास्ट में आता है हमारे पास फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन और फिर हमारा ये ऐसे हो जाएगा फिनिश आ जाओ मेरे साथ ओके okay, अब हम चलते हैं इस एस के पार्ट टू पे जो कि बहुत ही आसान है बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली उसमें तीन आती थी सबसे पहले अपने एप्लीकेशन ऑफ एस चेक किया एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफआरएफ चेक किया फॉर्म ऑफ ओपिनियन चेक किया अब हम लोग बात करने वाले हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग की और उसके लिए मैंने शॉर्ट नोट्स जो हैं आप लोगों के लिए तैयार कर रखे हैं ये देखिए तो कंसिडरेशन वेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दी ऑडिट तो आपने सबसे पहले क्या देखना है ऑल नेसेसरीज एस ऑल नेसेसरी एस को आपने अडॉप्ट करना है इसके बारे में हमने डिटेल में पहली रिक्वायरमेंट पढ़ लिया है अगर आपने ऑडिट ऑफ

आपको अलग से इन पर ऑडिट प्रोसीजर एस एफ एस और एस सी एफ एस पर लगाने पड़ेंगे और ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना पड़ेगा फिर याद रखिए ऑडिट ऑफ एस एफ एस और एस सी एफ एस में आपको इंटेलिडेंट आइटम्स पर भी काम करना पड़ सकता है और मटीरियलिटी आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ सकती है चलिए अब आ जाते हैं इस ऐसे के लास्ट पार्ट पे लास्ट पार्ट कहां मैं आप लोगों को दिखा देता हूं तो कंसिडरेशन एंड प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन ऑडिट हमने पढ़ लिया अब हम लोग बात करने वाले फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन राइट right? तो एक था हमारा एक्सेप्टेंस रिलेटेड एक था हमारा प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड और एक है हमारा ओपिनियन और रिपोर्टिंग से रिलेटेड आ जाओ जी मेरे साथ जरा जुड़ जाओ जल्दी से लोबाई अब यहां पे आप लोगों को क्या क्या करना है आपको पहले तो एक जनरिक लाइन बोली गई दैट यू हैव टू अडॉप्ट एंड अप्लाई दी एस एस सेवन हंड्रेड रिक्वायरमेंट एस एस सेवन हंड्रेड किससे डील करता है वो आपके रिपोर्ट के फॉर्मेट और कॉन्टेंट से डील करता है कहते हैं जी उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आप लोग जरूर अप्लाई कर दीजिएगा अच्छा आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिपोर्ट करी है और आपने एस एफ एस और एस सी एफ एस का भी ऑडिट किया है तो आपको याद रखिए मिक्स ओपिनियन नहीं देना है आपको सेपरेट ओपिनियन देना है एक ही रिपोर्ट हो सकती है लेकिन ओपिनियन आपके दोनों पर अलग अलग होने चाहिए अगर ये दोनों चीजें पब्लिश एक साथ हो रही हैं यानी कि आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आपका एस एफ एस और एस सफ एस एक साथ पब्लिश किया जा रहा है ऑडिटर को बोला जा रहा है कि भैया इसको इसको ये ये इंश्योर करना कि सफिशियंटली डिफरेंशियटेड हो दोनों चीजें अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट करो अगर नहीं कर रहे हैं तो तब तक ऑडिट रिपोर्ट न मत दो जब तक ऑडिटर सेटिस्फाइड नहीं है कि दोनों चीजें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आपका एस एफ एस और एस सी एफ एस अलग अलग जो है वो शो किया जाएगा जब तक आप इंश्योर नहीं है इसको लेकर तब तक आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू ना कीजिए नाउ एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ओपिनियन ऑन सी एस सी एस एस एफ एस यानी अगर आपने एडवर्स ओपिनियन दे दिया है डिस्क्लेमर दे दिया है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे अनमोडिफाइड ओपिनियन नहीं दे सकते हैं याद रखिएगा ना ही इस ऑडिट रिपोर्ट में ना ही सेम ऑडिट रिपोर्ट में ना ही डिफरेंट ऑडिट रिपोर्ट में वाई बिकॉज आपका सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मेजर पोर्शन होता है किसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर एडवर्स और डिस्क्लेमर दे चुके हैं तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप लोग अब अनमोडिफाइड ओपिनियन किसी भी हाल में नहीं दे सकते हैं अच्छा यहाँ पे देखिए अगर सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल

ओके okay, लीजिए तो ये हमारी फॉर्मिंग एंड ओपिनियन की पहली रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाती है बुक से आपको दिखा देता हूँ फॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग में हमने रिपोर्टिंग ऑन द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन एस एफ एस एंड एस कंप्लीट कर लिया अब हम लोग बात करेंगे किसकी डिस्क्लोजर्स की बात करने वाले हैं आ जाइए जरा मेरे साथ में प्लीज ये लो भाई तो अब हम बात करते हैं किसकी डिस्क्लोजर की तो ऐसे सात आपको बोलता है कि ऑडिटर ऑडिटर एसेस करो सफिशियंट डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं ओके okay. आपको क्या करना है ऑडिटर को इसी तरीके से देख लेना है कि एसएफएस और एस के भी सफिशिएंट डिस्क्लोजर है या नहीं है हाँ जी सफिशिएंट डिस्क्लोजर्स है या नहीं है तो बेसिकली आपने एस एस को अडॉप्ट करना है सफिशेंट डिस्कलोजर है या नहीं से मेरा मतलब क्या है भैया इतना डिस्कलोजर होने चाहिए कि यूजर जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए इन्फॉर्मेशन को और सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन को ओके okay? अच्छा जी अगर आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियनिय ईओ एम या ओ था यहां पर मॉडिफाइड बच्चों में क्वालिफाइड की बात कर रहा हूं क्योंकि एडवर्स और डिस्कलेम था तो बात पहले ही हो चुकी है अगर आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ई या ओ था तो ऑडिटर को देखना है कि इसका इंपैक्ट ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एस और एस एस पे क्या आएगा अगर अगर जो है

रेफर करना है हमने जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन यूएम किया है क्या हमें वो रेफर करना है एससीएफएस के रिपोर्ट में आंसर देखो अगर वो रिलेटेड नहीं है एस एफ एस और एस से अगर वो रिलेटेड नहीं है एस एफ एस और एस एफ एस से तो ऑडिटर जो है वो कहेगा ऑडिटर को बोला गया कि इट मे बी रेफर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एस एफ एस और एस एफ एस यानी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ दिया गया अगर ऑडिटर को लगता है कि वो रेलिवेंट है फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली रेफर करेंगे अदरवाइज जो है वो रेफर करने की जरूरत नहीं है ओके okay? मैं फिर से एक बार पूरी बात रिपीट कर देता हूँ लास्ट पार्ट है हमारा फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग कंसिडरेशन आपने क्या करना है 700 का को अडप्टर अपलाय करना है अच्छा जी अगर आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी रिपोर्ट दे रहे हैं और एसएफएस और एसई पे भी रिपोर्ट दे रहे हैं सेपरेट ओपिनियन दीजिएगा दोनों एक साथ पब्लिश हो सकती हैं एक ही रिपोर्ट में लेकिन याद रखिएगा आ याद रखिएगा बच्चों वो सफिशियंटली डिफरेंशिएटेड होने चाहिए अगर सफिशियंटली डिफरेंशिएटेडेडेडेडेड नहीं रिक्वेस्ट करो नहीं मान रहे तो ऑडिट रिपोर्ट मत दो अगर कंप्लीट सेट पर एडवर्स ओपिनियन और डिस्कलोवर ओपिनियन दिया था तो एस एफ एस में आप अनोडीफाइड ओपिनियन तो दे ही नहीं सकते क्योंकि मेजर पोर्शन है एसई एफ एस में अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो लॉ रेगुलर प्रोहिबिट ना करता हो सेपरेट रिपोर्ट सेपरेट रिपोर्ट जा रही हो और मेजर पोर्शन ना हो देन दे सौ ऑडिटर को बोलता है कि चेक कर लो भी ये सफिशिएंट डिस्कलोजर है, है, है यह नहीं ताकि यूजर जो है इंफॉर्मेशन को समझ पाए सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन को समझ पाए रिपोर्ट ऑन सी एस एस में मॉडिफाइड ईएम ओएम है तो याद तो हमने चेक करना है कि इनका इंपैक्ट एस एफ एस और एससीएफएस की रिपोर्ट पर क्या रहा है अगर नेसेसरी लगे तो हमें भी मॉडिफाई कर देना चाहिए ई एम ओ एम डाल देना चाहिए क्या हमें ई एम ओ एम को रेफर करना चाहिए किमें हमारी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एस एफ एस एंड एस सी एफ एस तो देखिए अगर रिलेटेड नहीं है तो कंसिडर करना पड़ेगा ऑडिटर को प्रोफेशनल जजमेंट पर बोल दिया गया कि आप देख लो अगर ये अंडरस्टैंडिंग के जरूरी है तो रेफर कर दो अदरवाइज रेफर करने की जरूरत नहीं है यहां पे आके हमारा ऐसे हो जाता है कंप्लीट अब मैं आपको दिखा देता हूं इंस्टीट्यूट के कुछ क्वेश्चन आ जाओ मेरे साथ जल्दी से लो जी पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन बच्चों सी एम सूर्या क्या बात है सी एम सूर्या इज द ऑडिटर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पहली बात एस या जी पी एफ एस पी एफ या जी पी एफ एस पी एफ शाबाश शाबाश ही इज ऑल्सो ऑफर्ड ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अपियरिंग इन अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कौन सा असाइनमेंट आया जी इसके पास ये कौन सा असाइनमेंट आया एस एफ एस या एस सी एफ एस एस सी एफ एस या वेरी गुड एस सी एफ एस कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट पहला क्वेश्चन कैन ही एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट यस ही कैन नो प्रॉब्लम एंड दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली आउटलाइन ऑफ इज ऑडिट अप्रोच तो बेटा इसमें हम लोग आउटलाइन में क्या बताने वाले हैं आइए जरा आपको दिखा देते हैं मेरे हिसाब से यही बताएंगे भैया जो डिफिकल्टी आने वाली है वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे वैसे आईसीए ने बहुत ही वेग आंसर दे रखा जहां तक मुझे याद है इसका क्या था हमारा टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग थ्री ये लीजिए टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग थ्री द सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मिनट इसको यहाँ

the auditor of financial statement prepared in accordance with special purpose framework is also offered audit of trade receivable ठीक है कर सकता है वो नो no प्रॉब्लम which relates to audit element of financial statement prepared in accordance with special purpose framework hence his audit approach should include considering requirement of both sa 800 and 805 इस ज्यादा वेग आंसर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा राइट right. बट कोई बात नहीं ये किसने लिखा है बेटा आईसीए ने तो हम लड़ाई करेंगे इनसे हम लड़ाई करेंगे इनसे मुझे बताओ नहीं हम यही चिपका के आएंगे बेटा ठीक है मैं तो इसमें बहुत कुछ लिख सकता था बहुत कुछ एकदम बढ़िया से एकदम ओके okay, बट कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा आ जाइए वापस चलते हैं और देख के आते हैं अपना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर फोर सी ए जी इज ऑफर्ड सी इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ ट्रेड पेबल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अंपनी हांजी ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल एस एफ एस एस सी एफ एस एस सी एफ एस शबाश हाउ एवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर थर्टीन आर ऑडिटेड बाय सी जिग्नेश डिस्कस वाई इट शुड बी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट क्यों प्रैक्टिकली डिफिकल्ट होगा भाई अंडरस्टैंडिंग कम होगी एविडेंस कम होगा याद बताइए याद करके बताइए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल कम होगा और क्या कम होगा एविडेंस कम निकलेगा कम ऑन और डिस्प्रपोर्शनेट वर्क होगा बहुत बढ़िया आइए देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है हमारे हिसाब से तो ये तीन चार पॉइंट्स इसके अंदर आने चाहिए थे आ जाओ जी आ जाओ कंप्लाइंस आ जाओ पढ़ते हैं Compliance with the requirement of essays relevant to audit of a single financial statement or specific element of financial statement may not be practicable. That line may not be practicable when auditor is not also engaged on the audit of entity's complete set of financial statement. In such cases, the auditor does not have the same understanding of the entity and environment, including internal control. An auditor who also audits entity's complete set of financial statement. The understanding kam अकॉर्डिंगली द ऑर्डर में नीड फर्दर एविडेंस तो हमने बोला था एविडेंस भी हमारे पास कम होगा हमें और कारोबेटिव ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्टन एस इज रिक्वायर ऑडिट वर्क दैट मे भी डिस्प्रपोर्शनेट ट एलिमेंट बींग ऑडिटेड पांच सौ सत्तर और अकाउंट रिसिवल वाला एग्जाम्पल हम लोग देकर आ सकते हैं इफ ऑर्डर कॉन्क्लूड्स दैट एन ऑडिट ऑफ हाँ जी ये भी पता है ना हमें अगर हम कॉन्क्लूड करते हैं कि भाई साहब ये प्रैक्टिकबल नहीं है याद है ये प्रैक्टिकेबल नहीं है तो ऑर्डर क्या कर सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगेजमेंट जो है वो डिस्कस कर सकता है बताइए ये आंसर देख के मज़ा आया कि नहीं आया ये अच्छा आंसर था मैच कर रहा है पूरा हमारी अंडरस्टैंडिंग से लीजिए यही दो क्वेश्चन बच्चों पूछे हुए हैं आपके एस एट से आपके थियोरटिकल क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से एस से का क्वेश्चन था वो हमने कर लिया राइट right. एंड बाकी क्वेश्चन जो हैं एक ये रहा हमारे पास सी ए पी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं थियोटिकल क्वेश्चन में सी ए पी इज द ऑर्डर ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ सेट ऑफ़ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है इन टें टू एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडरिंग कंक्लूज ड्रॉन बाई हिम डूरिंग द कर्स ऑफ ऑडिट एडवर्स ओपिनियन देना चाहता है ही इज ऑल्सो ऑडिटिंग द ट्रेड रिसवल ऑफ कंपनी फॉर द सेम पीरियड आई कैन ही एक्सप्रेस अन मॉडिफाइड ओपिनियन पहले बताओ एस सी एफ एस कर रहा है एस सी एफ एस कर रहा है कि एस एफ एस कर रहा है उज्जवल मैं आ रहा हूँ बाहर निकल के जूम से नलायक दुष्ट ज्यादा खुशी में आंसर गलत कर दिया बताओ जी एस सी एफ एस कर रहा है क्या क्या व्या वो, वो एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकता है ट्रेड रिसिवल पर अब बताओ बिल्कुल दे सकता है तेजस्व बिल्कुल दे सकता है क्यों एस एफ एस थोड़ना है एस सी एफ एस है तीन कंडीशन बोलो तीन कंडीशन बोलो दुष्टो तीन कंडीशन बोलो लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट ना करे सेपरेट रिपोर्ट में पब्लिश हो और सब्सटैशल प्रोशन ना हो देख लीजिए क्या क्वेश्चंस बच्चों लग रहे हैं डन बोल दीजिए अगर आप आई की बुक खोल के देखेंगे अपनी न्यू कोर्स की और उससे आप ऐसे 805 पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बस अब तो आप फिर भी पढ़ पाएंगे लेकिन अगर आप पहली बार से इसको उठा लेते तो यहीं कहीं अपने घर के कोने में गिरे हुए नज़र आते कि ये क्या क्या लिख दिया इन्होंने कैसे कैसे लिख दिया राइट बट कोई बात नहीं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चों आपको एक ना बैलेंस बनाने की और बैलेंस बनाने की क्या कोशिश है कोशिश यही है भाई कि आपको कवरेज भी अच्छी दी जाए आपको समझाया भी जाए रटवाया भी जाए पेपर के क्वेश्चंस भी दिखाई जाएं ताकि आप लोग पेपर में ऐसा फ़ॉरन फॉरन वाला फील ना करें करें ये कैसे आ गया राइट right. आज का बच्चों लेसन क्या है देखिए एक दो टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो भाई साहब हमें परेशान करेंगे जैसे आज वो आया था हमारा फॉर्म ऑफ ओपिनियन वाला उनसे घबराना नहीं है पॉजिटिव साइड ये है कि नाइन्टी परसेंट चीज़ें हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही हैं बड़ी अच्छी तरह से लिख के आ पा रहे हैं राइट नेगेटिव साइड बस इतनी सी है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन जिनपे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी और इंडस्ट्री में भी तो वो टॉपिक्स हमें थोड़ा सा इग्नोर करके चलने पड़ेंगे उन्हें हमें थ्योरी वाली अप्रोच से हैंडल करना पड़ेगा राइट ओके okay, चलिए ये थी आज की बातें अब आपसे मिलेंगे हम लोग कब बता देता हूँ मैं आपको आ, मंडे को मिलेंगे ठीक है उससे पहले मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जाके कुछ बातें करना चाहता हूँ वो आपको बता देता हूँ ठीक है जल्दी से चलिए इसको मैं यहीं पे एंड कर देते हैं लंबी के सांस भरे मास्टर छुट्टी भागो दौड़ो निकलो पहुँचो बुम 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 बुम, 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 बुम।, बुम।